गाइस, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ उस जगह के बारे में जहाँ पे श्री कृष्ण साक्षात अपने ग्वाल बालों के साथ वहाँ पे खेला करते थे। जी हाँ, मैं रमन रेती की बात कर रही हूँ। ब्रज की तो पूरी भूमि श्री कृष्ण की लीला और चरणों से पावन पवित्र है। इसी भूमि का एक स्थान ऐसा माना जाता है कि संत रसखान ने यहाँ तपस्या की थी। यहाँ इनकी समाधि भी बनी हुई है। गोकुल में कई जगह है जहाँ भगवान कृष्ण के जीवन की कई घटनाएँ घटी हैं। स्थानीय मान्यता और लोक कथाओं के अनुसार जब यशोदा मैया श्री कृष्ण को जंगल भेजती थी कुछ काम के लिए, तो बाल कृष्ण और उनके दोस्त सारा दिन रमन रेती की बेहद नर्म रेत में लौटते हुए बिताते थे और फिर उन्होंने वहाँ पे रमन सरोवर में स्नान का लुफ्त उठाया था। इस प्रकार भक्त अपने आप को पवित्र रेत में लुढ़कने के लिए नियंत्रित नहीं कर सकते हैं और प्यारे भगवान कृष्ण के साथ दिव्य क्षणों के जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। जब भी आप वृंदावन जाए तो रमन रेती जरूर जाए, आप दर्शन कर सकते हैं ब्रज की। रज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।